जिस देश का सिस्टम और समाज बुलेट ट्रेन के सफर की तैयारी कर रहा हो, उस देश में रेलवे क्रॉसिंग पर 8 बच्चे ट्रेन से कटकर मर जाएं, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही दुखद खबर आई जिसमें समाज की जानलेवा सोच और सिस्टम की जानलेवा लापरवाही ने 8 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। उत्तर प्रदेश के भदोही में आज एक स्कूल वैन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन से टकरा गई। इसमें वैन ड्राइवर के अलावा 8 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। ये घटना आज सुबह उस वक्त हुई जब वैन का ड्राइवर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और उसे रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार से आती ट्रेन की आवाज ही सुनाई नहीं। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन ने वैन को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। इस घटना के दो विलेन हैं, पहला वो ड्राइवर जो ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा रेलवे जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को मौत की क्रॉसिंग बनने से रोक नहीं पा रहा। मौत की इन रेलवे क्रॉसिंग के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पहले आप इस घटना में घायल बच्चों की गवाहियां सुनिए जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। पहले गाना सुन रहे थे, बोलते हैं गाना वो खत्म होने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे, मोबाइल में सॉन्ग ऑन कर देते हैं। ड्राइवर गाना सुन रहा था, हम गाड़ी में बैठे थे, पीछे से आ रही थी ट्रेन और मार दी, सब लोग फेंका गए। इन मासूम बच्चों ने मौत को ठीक अपने सामने खड़े हुए देखा है, अपने दोस्तों को ट्रेन से कुचलकर मरते हुए देखा है। ये वो बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के भदोही में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराई स्कूल वैन में सवार थे। ये मासूम बच्चे उस दिल दहला देने वाली घटना के चश्मदीद गवाह हैं। और ये वो लोग हैं जिनके मासूम बच्चे इस भीषण हादसे की भेंट चढ़ गए, जिनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब भी है और मायूसी भी। कि कई परिवार, जैसे एक हमारे यहाँ 4 बच्चे थे और अगल बगल परिवार के जो बच्चे थे, किसी परिवार में पूरे के पूरे बच्चे नहीं रह गए, तो ये तो इतनी बड़ी क्षति है कि किसी परिवार का तो भविष्य ही खत्म हो गया। ये उस रेलवे क्रॉसिंग की तस्वीरें हैं जहाँ ट्रेन से टकराकर स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए और वैन दूर खेतों में जा गिरी। सर, स्कूल बच्चों को लेने दीनानाथपुर गांव में गई थी, वहां से बच्चे को लेकर के वापस आ रही थी, उसके बाद ये घटना यहां पे रेलवे ट्रैक पे गाड़ी पैसेंजर जा रही थी सुबह वाली, और यहां पे ये दर्दनाक घटना हुई जिसमें करीब 10 बच्चों का ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है, कुछ हॉस्पिटल में और कुछ बाकी सीरियस भी हैं। ये पूरी लापरवाही बस ड्राइवर की ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाहन आते जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर एक फाटक होने की आवश्यकता है, और बहुत दिन से स्थानीय लोगों ने हमेशा मांग की है कि फाटक हो। कई बार इसके लिए ये 6वां या 7वां एक्सीडेंट है यहाँ पर, और सारी की सारी दुर्घटनाएं भयंकर और अत्यंत शोक युक्त घटनाएं थी, लेकिन प्रशासन केवल थोड़ी खानापूर्ति, जैसे आज हो रही है, थोड़ी खानापूर्ति करके फिर इसको भूल जाएंगे। भदोही में कैयरमऊ रेलवे क्रॉसिंग पर हुए भीषण हादसे के वक्त स्कूल वैन में 19 बच्चे सवार थे जिनमें से 8 की मौत हो गई। जो बच्चे खुशकिस्मत थे वो अब घटना की वजह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घटना वैन ड्राइवर की वजह से हुई, क्योंकि ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए वैन चलाने का शौक जानलेवा साबित हो गया। पहले गाना सुन रहे थे, बोलते हैं गाना वो खत्म होने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे, मोबाइल में सॉन्ग ऑन कर देते हैं। ड्राइवर गाना सुन रहा था, हम गाड़ी में बैठे थे, पीछे से आ रही थी ट्रेन और मार दी, सब लोग फेंका गए। खबर मिलते ही स्थानीय लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने वाराणसी इलाहाबाद रेल रूट जाम कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त स्कूल वैन को आग लगा दी। मौके पर अधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि दुर्घटना की वजह वैन ड्राइवर की लापरवाही है, जिसने खुद भी इस घटना में अपनी जान गंवा दी।
और हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इसको जो घायल हैं उनको तत्काल अच्छा उपचार मिल जाए। और हम लोगों ने लोकल पब्लिक से बात की है, लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही सेंक्शन हो चुका है यहाँ पर जो रेलवे का अंडरपास जो है, हम लोग इसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर उसको पूरा कराएंगे। देखिए इसमें हम लोग अपराध पंजीकृत की विवेचना कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सीनियर अधिकारियों की कमेटी घटना की जांच करेगी। इस बीच सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन मानव रहित क्रॉसिंग पर जब आज तक ने रेल राज्य मंत्री से सवाल किया तो उनका जवाब कुछ ही यूं था। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बच्चों की जान जाना, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है, रेलवे के कारण नहीं गई, ये पहली बात। असाई कंटेनमेंट लेवल क्रॉसिंग को रिमूव करने के लिए हमने वहाँ आरयूवी स्वीकृत किया है, लेकिन बनने में तो समय लगेगा ना, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहली नजर में इस घटना के लिए वैन ड्राइवर दोषी नजर आता है, लेकिन दोषी तो वो रेलवे भी है जो ऐसे हादसों पर दुख तो जताता है लेकिन इन हादसों से सबक लेने में सुस्ती दिखाता है। इसीलिए यह घटना सरकार और सिस्टम दोनों की जानलेवा सोच का सबब है। ये हादसा ऐसा हादसा है जिसने पूरे भदोही को एक तरीके से रोने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में बैग था, जो सुबह स्कूल निकले थे, उनकी लाशें उनके घर पहुंची हैं। पता नहीं इस घटना के बाद प्रशासन और रेलवे कितना सबक लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी कि कम से कम इस घटना के बाद भी लोग इससे सबक सीख सकें। दिनेश पटेल और कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, भदोही आज तक। शौक के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान का दुश्मन बन जाना कोई अकलमंदी तो नहीं हो सकती, ये सीधी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। और फिर वो होता है जो आज भदोही में हुआ। ये समाज की वो जानलेवा सोच है जिसका अंत तुरंत किया जाना चाहिए। इसीलिए अब हम आपको एक जागरूकता वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि जरा सी असावधानी आपकी और दूसरों की जान ले सकती है। दुर्घटना से देर भले, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस बात का मतलब और महत्व समझ गए होंगे। वैसे देर तो रेलवे ने भी की है, जो अब तक देश को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा दिलवाने में नाकाम साबित हुआ है। हालात ये हैं कि आज भी भारत में करीब 33% रेलवे क्रॉसिंग मानव रहित है। देश में कुल रेलवे क्रॉसिंग की संख्या 29,487 है, जिनमें से 10,440 रेलवे क्रॉसिंग मानव रहित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब आधी रेल दुर्घटनाएं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स पर ही होती हैं। साल 2009 से 2014 तक देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की 293 घटनाएं हुई। इसी दौरान ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या 313 थी। रेलवे में हुए हादसों पर जारी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2014 के दौरान 5 वर्षों तक 43.6% रेल हादसे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए, जबकि रेल के पटरी से उतरने से हुए हादसों का प्रतिशत 46.6 था। इस दौरान ट्रेनों की भिड़ंत के हादसे 4.9% थे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग आए दिन लोगों के लिए मौत का दरवाजा बनते हैं, इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। साल 2011 से 2015 तक देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर 552 लोग ट्रेन से कटकर मारे गए। सिर्फ 2015 में ही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर 126 मौतें हुई। बुलेट ट्रेन के सपने के पीछे फुल स्पीड में भागते भारतीय रेलवे को भदोही की घटना ने सच का सामना करवा दिया है, जो लाखों करोड़ रुपए के बजट से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने में नाकाम हो रहा है। जापान, चीन और यूरोप में हवा से बात करती ट्रेनों का को भारत में चलाने के लिए आतुर भारतीय रेलवे को शायद पता नहीं है कि जापान में पिछले 52 सालों के दौरान रेल दुर्घटना में एक भी मौत नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि जापान में बिना गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग होती है, क्योंकि वहां गार्ड की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के जरिए जापान में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की आवाजाही होती है। मतलब ये कि ट्रेन के आने से पहले ट्रैक पर लगे सेंसर के जरिए ट्रेन के आने की सूचना मिल जाती है। सेंसर से ट्रेन की सूचना का सायरन बजते ही क्रॉसिंग बंद हो जाती है। क्रॉसिंग बंद होते ही सायरन भी बंद हो जाता है। ट्रेन के निकलते ही क्रॉसिंग अपने आप खुल जाती है। यही वजह है कि जापान जैसे देशों में ट्रेन हवा की रफ्तार से बातें करती हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश साल 2012 में हाई लेवल रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी काकोदकर कमेटी ने की थी।
कमेटी ने 5 साल के अंदर 19,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू करने के लिए 20,000 करोड़ का खर्च बताया था। कमेटी ने सिफारिश की थी कि गार्ड वाली और बिना गार्ड वाली दोनों ही क्रॉसिंग को 5 साल के अंदर ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, जिस पर 50,000 करोड़ का खर्च बताया गया था। इन तमाम सिफारिशों के बावजूद अभी भी मानव रहित क्रॉसिंग को हटाने का काम चल ही रहा है, लेकिन ये काम जिस रफ्तार से चल रहा है उससे लगता नहीं कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। अब हम आपको इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 की तलाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश का अपडेट देते हैं। आज तक की टीम बंगाल की खाड़ी में इस सर्च ऑपरेशन की चश्मदीद गवाह बन रही है। बीते शुक्रवार यानी इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32 लापता हो गया था। इंडियन एयरफोर्स के इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 6 क्रू मेंबर्स सहित कुल 29 लोग सवार थे, लेकिन दुख भरी खबर यह है कि पिछले करीब 84 घंटे से AN-32 विमान की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक विमान का कोई सुराग नहीं लगा है। AN-32 विमान का जिस जगह से रेडार संपर्क टूटा था उस जगह से लेकर करीब 80 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चल रही है। उपग्रह की मदद से मिल रही तस्वीरों के आधार पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वाले इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे विमान की खोज का काम और कठिन हो रहा है। AN-32 विमान की सर्च में बीतता हर एक पल बेहद महत्वपूर्ण है। आज तक की टीम इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए बंगाल की खाड़ी पहुंची है और लाइव अपडेट जुटा रही है। ये 4 दिन से लापता एयरफोर्स के AN-32 विमान की तलाश में आकाश से पाताल तक सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर वायुसेना के विमान तक इस खोजी अभियान में जुटे हैं और समंदर में नेवी और कोस्ट गार्ड के जलपोत लापता विमान की तलाश में दौड़ लगा रहे हैं। आज तक की टीम इस वक्त बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और ऑपरेशन तलाश की चश्मदीद गवाह बन रही है। इंडियन नेवी का जो सर्च ऑपरेशन है वो बे ऑफ बंगाल में इस वक्त जारी है। AN-32 का जो AIF का विमान है वो शुक्रवार को जब से खो गया है उसकी खोज तब से जारी है। एक बृहद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18 नेवल शिप्स और 16 एयरक्राफ्ट को लेके ये पूरा बे ऑफ बंगाल की चप्पा चप्पा छान मारने की कोशिश अभी इस वक्त हो रही है। 5 दिन से लापता AN-32 प्लेन की तलाश में सेना समंदर की खाक छान रही है, लेकिन अभी तक लापता विमान का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नौसेना के 12 युद्ध पोत, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज, 1 पनडुब्बी और 17 विमान तलाशी अभियान में लगे हैं। करीब 130 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी जा चुकी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर खुद इस सर्च ऑपरेशन के बारे में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। AN-32 की तलाश में जमीन आसमान एक कर रही सेना जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। AN-32 की तलाश के लिए इसरो से भी मदद ली जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से लापता विमान के सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में कुछ तैरने की तस्वीरें मिली हैं। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमें तस्वीरों की जांच कर रही हैं। As of now, we have not been able to locate debris or any survivor. Of course, there have been some observations by the ships and aircraft. They have been picking up some items which have been later on identified that they are not belonging to this ill-fated aircraft. They have been able to locate a box, a wooden log, a cylinder, a part of a blue colored object which happened to be later on found to be part of a fishing boat. AN-32 विमान को ढूंढने के लिए सेना जी जान से जुटी है और AN-32 में सवार 29 लोगों के परिवार दुआएं कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भगवान की कृपा से सेना का तलाशी अभियान सफल होगा और उनके अपने सुरक्षित लौट आएंगे। यही दुआ कर रहे हैं कि वो जिंदा मिल जाए, मेरे को मेरी बेटी मिल जाए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला।
ढूंढ रहे। AN-32 के साथ लापता हुए लोगों के परिवार अपनों की याद में आंसू बहा रहे हैं। हमारा नाती चेन्नई से फोर व्हीलर जा रहा था, उसके बाद उड़ान किया, बोला मैं जा रहा हूँ, उसके बाद प्लेन का पता नहीं है ना मेरे नाती का पता है। इन सब की उम्मीदें बस अब सेना के सर्च ऑपरेशन पर टिकी है। और पिछले 3 दिन में बरसात का मौसम है, मौसम काफी खराब रहा था, काफी टर्ब्यूलेंट मौसम रहा था, इसीलिए पिछले 3 दिन में जो राहत कार्य और जो सर्च ऑपरेशन चल रही है उसमें बहुत सारे बाधाएं आ रही थी। लेकिन आज सोमवार के दिन, आज सोमवार सुबह से देखा जा रहा है कि जो मौसम है वो कुछ बेहतर हुआ है। रविवार से ही ये कहा जा रहा था कि मौसम सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन बीच समंदर में मौसम ज्यादा खराब होता है, विजिबिलिटी भी कम है। 5 दिन से लापता AN-32 की तलाश में सेना को अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब उम्मीद है तो एक चमत्कार की, और इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। उम्मीद है एक बार फिर कोई चमत्कार होगा और AN-32 का पता चल जाएगा। आशीष पांडे और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन तलाश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लापता विमान AN-32 के मिलने के आसार घटते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक AN-32 विमान के ब्लैक बॉक्स की क्षमता 30 दिन तक होती है, 30 दिन बाद ब्लैक बॉक्स बेकार हो जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो AN-32 को खोजना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन पूरे देश को उम्मीद है कि सेना वक्त रहते ऑपरेशन तलाश में सफल हो जाएगी। आज से 16 साल पहले भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के दिन करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। तभी से करगिल युद्ध की जीत के तौर पर हर साल विजय दिवस मनाया जाता है, यानी आज 17वें करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या है। इस मौके पर भारतीय सेना आज से 2 दिनों का विजय दिवस मना रही है। इस मौके पर आज करगिल के द्रास में बने शहीद स्मारक पर सेना ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने भी करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल युद्ध में करीब 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1300 सैनिक घायल हो गए थे। करगिल विजय दिवस उन्हीं वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करने का मौका होता है जिन्होंने अपनी जान देश के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।